आज से पूरी दुनिया में क्रिसमस की धूम है और भारत में भी क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। चर्च रोशनी में सराबोर हो चुके हैं। लोग चर्च में प्रार्थना करके सभी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की खुशी के मौके पर क्रिसमस की केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र सहित देश भर में धूम है और आधी रात से ही देश के अलग अलग गिरजाघरों में ईसाई समुदाय के लोग इकट्ठे हुए और सामूहिक प्रार्थना भी की। बेंगलुरु, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और कोलकाता के चर्चेस में प्रेयर के दौरान काफी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस दौरान केक काटकर खुशियां मनाई गई। क्रिसमस के मौके पर सांता क्लॉज ने बच्चों को गिफ्ट भी बांटे। वहीं क्रिसमस के मौके पर देश में एक बार फिर से कोरोना की आहट से लोगों में दहशत है। दुनिया के कई देश इस वक्त कोरोना का भीषण कहर झेल रहे हैं, लेकिन भारत में भी हालात पूरी तरह से काबू है। इसीलिए भारत में एहतियात पहले से ही बरती जा रही है। हालांकि पूरी तरह से ये जो एहतियात है इसीलिए बरती जा रही है ताकि जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल रहे। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर फुल एक्शन में है। सरकार लगातार कोरोना के नए वेरिएंट की मॉनिटरिंग भी कर रही है और साथ ही लोगों से ये भी अपील की जा रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। कि वो मास्क और 2 गज की दूरी का ध्यान खास तौर पर रखें जिससे कोरोना को फैलाने से रोका जा सके। अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए किस तरह से धूम क्रिसमस और न्यूयॉर्क को लेकर होने जा रही है, लेकिन उससे पहले सरकार लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील कर रही है। और राज्य सरकारें टेस्टिंग और जीनोम सिक्वेंसिंग में तेजी लाएं, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। देश में आज क्रिसमस की धूम है। नए साल का जश्न भी परवान पर चढ़ने लगा है। लोग जमकर विंटर वेकेशन का मजा ले रहे हैं। बाजारों में भीड़ भी बढ़ गई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर टूरिस्ट प्लेस भरा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने कोरोना की चौथी लहर के खतरे को देखते हुए इसके खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। इस समय लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में बस स्टैंड पर मौजूद हैं और ये वो व्यस्ततम इलाका है, भीड़भाड़ वाला इलाका है जहां सबसे ज्यादा यात्री ट्रेवल करते हैं। ये चारबाग बस स्टेशन है और बस स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट सिस्टम है उसमें बाकायदा अनाउंस किया जा रहा है कि आप लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वो तमाम नियमों का पालन करें जो कोविड से आपको बचा सकता है। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो जो भी यहाँ पर देखिए खाने पीने के स्टॉल्स हैं इसमें कृपया मास्क अवश्य लगाएं। इस तरीके के जो पैम्पलेट्स हैं ये फिलहाल लगा दिए गए हैं ताकि आम लोग अपनी सुरक्षा कर सकें, क्योंकि कोविड की चौथी लहर के जो आहट है उसको देखते हुए निश्चित तौर पर लोगों में काफी ज्यादा अब चेंजेस भी आ रहे हैं, बदलाव भी आ रहे हैं। एयरपोर्ट्स पर रैंडम टेस्टिंग शुरू हो गई है तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की अपील की जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों तक ने सख्त गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं और मंगलवार को देश भर के अस्पतालों में कोविड के नए खतरे से निपटने की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। राजधानी दिल्ली और मुंबई की हवा और सीवेज में कोरोना वायरस का आरएनए मिला है। सीवेज और हवा में कोरोना वायरस के आरएनए मिलने का मतलब है कि वायरस कई लोगों में मौजूद है। अब जरूरत ऐसे लोगों की पहचान करने की है जिनमें ये वायरस है और अगर वायरस है तो वो किस वेरिएंट का वायरस है। चूंकि वायरस का आरएनए सीवेज के सैंपल से मिला है इसलिए जरूरी है कि लोग मास्क पहने, भीड़ भाड़ में एक दूसरे से उचित दूरी रखें और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। देश में आज कोविड का केस बढ़ा है। देश में कोविड महामारी न फैले उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है, ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। ये तीनों सर्वेलेंस से पता चल रहा है कि अभी दिल्ली और मुंबई में सुएज और एयर सर्वेलेंस में आरएनए मिला है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना के आरएनए मिलने के बाद
केंद्र सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 3 दिनों में 3 हाई लेवल मीटिंग की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर मास्क और 2 गज की दूरी का पालन हो, टेस्टिंग और जीनोम सिक्वेंसिंग में तेजी लाई जाए, विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम सैंपलिंग हो, इमरजेंसी से निपटने के लिए अस्पतालों में तैयारी पुख्ता हो, बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा बूस्टर डोज लगे। कोरोना की चौथी लहर की आहट को देखते हुए सभी राज्य भी एक्शन में हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों को गाइडलाइन जारी करने के साथ ही 3 लेयर का प्लान भी एक्टिव कर दिया है। पहला, सभी को जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज लगे। दूसरा, एक बार फिर पीएम मोदी का T3 प्लान यानी टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट को फॉलो करने को कहा गया है। तीसरा, जीनोम सीक्वेंसिंग से कोरोना के नए वेरिएंट की पहचान करना। सभी राज्यों को अलर्ट दे रहे हैं, राज्यों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। हम देश के सभी नागरिक को भी अलर्ट करना चाहते हैं कि आप मास्क का उपयोग करें, आप जरूरत बिना कारण से भीड़ में न जाइए, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, ताकि हम कोविड को रोक पाए और देश को सुरक्षित रख पाए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से 27 दिसंबर को अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच के लिए मॉक ड्रिल करने को कहा है। खासकर ऑक्सीजन प्लांट और वेंटिलेटर को लेकर राज्यों को आगाह किया गया है, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में इन 2 चीजों की भारी किल्लत हुई थी। ऐसे में केंद्र सरकार इन व्यवस्थाओं को पुख्ता रखना चाहती है। कोरोना की 4th वेव की आशंका के बीच देश के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इस वक्त हम दिल्ली के GTB अस्पताल में मौजूद हैं। 2nd वेव के दौरान इस पूरे अस्पताल को एक तरीके से कोविड अस्पताल के तौर पर तैयार किया गया, लेकिन 3rd वेव के बाद से एक पूरा सेक्शन जो है उसको कोविड वार्ड के तौर पर अब तैयार करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है। इसमें टेस्टिंग से लेकर पेशेंट के अंदर अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो उसको किस तरीके से इमरजेंसी में एडमिट करना है और अगर हालत क्रिटिकल है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, उसके लिए तमाम तैयारियां यहां पर की गई है। इमरजेंसी एरिया है जहां पे 4 बेड हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, जो सिक पेशेंट है वहां से हमें पेशेंट को किस तरीके से शिफ्ट करना है, तो ये फर्स्ट फ्लोर एरिया में, इसमें ग्राउंड फ्लोर में इसमें 20 बेड का वार्ड है और गायनी का अलग से 20 का प्रोविजन हमने फर्स्ट फ्लोर पे किया हुआ है। पीडियाट्रिक्स का भी अलग से 40 बेड का प्रोविजन है और जैसे इंक्रीज होता है अगर कोविड तो हमारे पास 1400 ऑक्सीजन बेड्स हैं, तो उसमें अगर एडमिशन इंक्रीज हुए तो हमें कोई ऑक्सीजन की इसकी कमी नहीं रहेगी। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे 5 देशों की पहचान की है जहां से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखी जाएगी। ये देश हैं चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड। इन 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। किसी भी यात्री में COVID-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें फौरन क्वारंटीन किया जाएगा। केंद्र सरकार के इस आदेश के पीछे एक बड़ी वजह देशों में आने वाले कोरोना के मामले हैं, जो बेहद डराने वाले हैं। चीन में पिछले 24 घंटे में जहां 4,128 मामले सामने आए हैं, ये वो आंकड़े हैं जो आधिकारिक तौर पर जारी किए गए हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो चीन में इस वक्त हर दिन लाखों की संख्या में मरीज मिल रहे हैं। बात जापान की करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे में 1,77,000 से ज्यादा केस मिले हैं। पिछले कुछ दिनों में जापान में हर रोज 1,00,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। साउथ कोरिया में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 66,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं हांगकांग में भी 21,000 से ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, जबकि थाईलैंड में भी पिछले एक हफ्ते से करीब 4,000 केस डेली आ रहे हैं। हालांकि भारत में अभी हालात पूरी तरह कंट्रोल में हैं। पिछले 24 घंटे में 170 के आसपास नए केस मिले हैं, लेकिन डॉक्टरों की सलाह है कि लोग जल्दी से जल्दी बूस्टर डोज ले लें, मास्क पहनना शुरू कर दें और भीड़ में जाने से बचें या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें,
जिससे कोविड के नए वेरिएंट BF7 के खिलाफ मजबूती से लड़ा जा सके। हमें सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी तैयारी करने की जरूरत है, और इसके दो कारण है। एक तो हम जानते हैं कि और जगह भी जहां ये वेरिएंट गया है, ये ज्यादा इन्फेक्शियस है, ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है, इम्यून एस्केप मैकेनिज्म भी है, तो जिन लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है या पहले कोविड हो चुका है, उनको फिर से भी कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। लेकिन ये भी सही है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है, जिनको बूस्टर डोज लग चुका है या जिन लोगों को नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है और इसलिए दोनों तरह से इम्यूनिटी है, उन लोगों में ये ज्यादा सिवियर इलनेस नहीं कर रहा। इन्फेक्शन होगा लेकिन माइल्ड होगा, फीवर बुखार जुकाम नजला बॉडी एक्स होंगी, लेकिन जो हम पहले देख रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होना ICU एडमिशन या डेथ, वो सिचुएशन ऐसे पॉपुलेशन में नहीं होगी। देश में करीब 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। अभी तक किसी भी राज्य में बूस्टर डोज की कवरेज 50% तक नहीं पहुंची है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 40% से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है, लेकिन अभी भी देश की बड़ी आबादी को बूस्टर डोज लगना बाकी है। ऐसे में अगर कोरोना की चौथी लहर को हराना है तो बूस्टर डोज सभी को लगवाना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।